हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं स्टेरेसिस लूप के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। कहा गया मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स पी एंड मैग्नेट्स इन अ ट्रांसफॉर्मर टी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऑफ द फॉलोइंग ईच प्रॉपर्टी बेस्ट मैचेज फॉर द टाइप ऑफ मैग्नेट्स रिक्वायर्ड। कहने का मतलब यह है कि हम लोग दो डिफरेंट तरीके के मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। कुछ मटेरियल जो है वो परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज किए जाते हैं, है ना। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से मैच करती है, जो चार ऑप्शन में दिए गए हैं ये हमें बताना है ना। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दो डिफरेंट तरीके के मटेरियल का एक डायग्राम बनाया है, स्टेरेसिस लूप बनाया है। एक बनाया है सॉफ्ट आयरन के लिए, जैसे कि यहाँ भी मैंने बना दिया है, ये देखेंगे, ये है सॉफ्ट आयरन के लिए। सॉफ्ट आयरन में क्या होता है कि स्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस जो है वो कम होता है जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराया जाता है ना। और ये है स्टील के लिए, ठीक है, ये हो गया स्टील, इसके लिए स्टील के लिए हिस्टेरेसिस लूप हो गया, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क है इसमें देखेंगे कि हम एक्चुअली में क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं यहां पर, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, ये क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से मटेरियल के अंदर जो डायपोल्स हैं वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने लगते हैं, जिसके कारण से उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल इंटेंसिटी जो है हम लोग बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, ठीक है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू आता है। फिर जब हम लोग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसको घटाने लगते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी घटता है, लेकिन घटते घटते जब एक्सटर्नल फील्ड को हम लोग जीरो कर देते हैं तब भी मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता, यानी सारे जो डायपोल्स हैं, जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते, ठीक है। जैसे ये हिस्टेरेसिस लूप आप देख रहे हैं, तो यहां से ये जो हाइट है इसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी जो है वो जितना ज्यादा होगा उसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रिटेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन बचा रहेगा। ऐसा जो प्रॉपर्टी है वो होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट में, कि एक बार हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया और एक बार एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से उसमें मैग्नेटाइजेशन हो गया, अब हमने एक्सटर्नल फील्ड हटा भी लिया तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो चेंज नहीं हो रहा ज्यादा, ठीक है, तो वो होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट में। तो परमानेंट मैग्नेट जो है जनरली स्टील का बना है, स्टील से बनता है, और इसलिए इसका रिटेंटिविटी जो है वो ज्यादा होता है ना। स्टील में रिटेंटिविटी ज्यादा होता है, जबकि जो सॉफ्ट आयरन है उसमें रिटेंटिविटी कम होता है। सॉफ्ट आयरन को हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोर के फॉर्म में, जहां पर बार बार जो है करंट की वैल्यू चेंज होती है, करंट की वैल्यू चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है, और बार बार उसमें मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो चूंकि उसमें ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो, बार बार वेरिएशन होता रहता है, इसलिए उसमें सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं जिसकी रिटेंटिविटी कम होती है। रिटेंटिविटी कम होने का मतलब है कि जब फील्ड उल्टा हो, है ना, जब उल्टा डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर दिया है तो जल्दी से जीरो हो जाए, कम फील्ड उल्टा अप्लाई करने पर भी जो है जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो हो जाए, है ना। तो इसमें ये जो हाइट है इसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी, और ये देखेंगे ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं कोर्सिविटी, ठीक है। कोर्सिविटी का मतलब ये हुआ कि चूंकि एक्सटर्नल फील्ड को जीरो करने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता तो एक्सटर्नल फील्ड उल्टा डायरेक्शन में लगाया जाता है ताकि मैग्नेटाइजेशन जीरो किया जा सके, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड अप्लाई किया जाता है वो कम फील्ड लगाने से अगर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है तो इस कहते हैं कोर्सिविटी कम है,
है ना, यानी जितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करने से मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है, तो उस मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो वैल्यू है जो निगेटिव में है उसको हम लोग कोर्सिविटी कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन में जो है कोर्सिविटी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और रिटेंटिविटी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। कोर्सिविटी भी ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा जीरो मैग्नेटाइजेशन करने के लिए। ठीक, तो जो सॉफ्ट आयरन है जो कि हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, है ना, उसकी रिटेंटिविटी भी लो होती है और कोर्सिविटी भी लो होती है, जबकि स्टील जो कि हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज करते हैं इसका रिटेंटिविटी भी हाई होता है और जो कोर्सिविटी है ये वाला डिस्टेंस ये भी हाई होता है ना। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए यानी कि पी के लिए जो है लार्ज रिटेंटिविटी और लार्ज कोर्सिविटी होना चाहिए। ठीक है, और टी जो ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं जो सॉफ्ट आयरन होता है उसमें स्मॉल रिटेंटिविटी और स्मॉल कोर्सिविटी, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों ही स्मॉल दिया गया। ठीक है, तो एक केवल यहाँ पर ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ना, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है।